पूरे उत्साह उमंग के साथ संभावित जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी मांग करके देव मंदिरों में शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की खाका है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है तो भारत की ताकत का एहसास भी कराता है, भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत के ताकत का एहसास सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ये संभव हो पाया है कि रामराज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जन कल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज को देखा होगा, बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को संपन्न होने के साथ ही नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में राम जन्म श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। प्रभु मूर्ति से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। देश भर के सभी शक्तिपीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उभरे हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और ये व्यवस्था सुनिश्चित की है शक्तीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो।
ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ। सभी जनपदों में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की पूर्णता व्यवस्था की गई। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझे बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हम उस सात्विक वृत्ति को सम्मान के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में राम जन्मोत्सव श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। और देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम में पहुंचा है। प्रभु से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी राम जन्म भूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।